इस वीडियो में बताई गई सारी बातें बॉब प्रॉक्टर ने कही है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर आधारित है। डॉक्टर वर्नर वॉन ब्रॉन, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्षयान बनाने में और लोगों को चंद्रमा पर भेजने में कोई कठिनाई नहीं है, और हम एक सेकेंड के एक अंश की सटीकता के साथ लैंडिंग कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये नियम किसी ने बनाए होंगे। वॉन ब्रॉन ने कहा, कई वर्षों तक ब्रह्मांड के शानदार रहस्यों का अध्ययन करने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया था कि ईश्वर सच में है। मैं नियमों को भगवान के तौर तरीकों के रूप में देखता हूँ और इसी तरह से सब कुछ होता है। द सीक्रेट मूवी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, और क्योंकि फिल्म वायरल हो गई थी, वो फिल्म पूरी दुनिया में फैल रही थी। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और लोग उस पर किताबें लिख रहे थे जो वास्तव में उन्हें समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकांश लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में गहराई में समझ नहीं है। अट्रैक्शन एक लॉ है, लेकिन ये सेकेंडरी लॉ है। प्राइमरी लॉ वाइब्रेशन का लॉ है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यूनिवर्स के बेसिक लॉ में से एक है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार सब कुछ हमेशा मूव होता रहता है, कुछ भी एक जगह कभी नहीं रुकता। हम सचमुच गति के सागर में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सब कुछ एक ही चीज की अभिव्यक्ति है? पत्ते, पेड़, सीमेंट, शरीर, कपड़े, इन सभी के अंदर अलग अलग एनर्जी है जो हर वक्त अलग अलग वाइब्रेशंस में वाइब्रेट होती रहती है। आपकी बॉडी भी एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है जो हाई स्पीड में वाइब्रेट हो रही है। आपका दिमाग एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग स्टेशन है। आपका दिमाग नहीं सोचता है, आप अपने दिमाग से सोचते हैं, और इन दोनों में बहुत फर्क है। जब दो प्रोफेशनल्स बैठते हैं तब वो आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, और इस तरह से उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि आगे क्या करना है और वो क्या हासिल करना चाहते हैं। ऐसा करके वो लोग एक दूसरे की फ्रिक्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पुराने गुरु इसे एम्पैथी ईगो बैलेंस यानी सहानुभूति और अहंकार का संतुलन कहते हैं, जहां आप दूसरे व्यक्ति के दिमाग में जा सकते हैं और दुनिया को देख सकते हैं जहां से वो इसे देखते हैं। आप उनकी फ्रिक्वेंसी के बराबर आते हैं, उनकी वाइब्रेशंस के बराबर आते हैं। आप जिस वाइब्रेशन में होते हैं वही तय करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। यदि आप परेशान हैं और चिंतित हैं तब आप बहुत सारी बुरी एनर्जी को आकर्षित करते हैं। जिन चीज़ों से आप डरते हैं बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होता है। डर एक बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन है, ये एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है। ये संदेह और चिंता के कारण होता है, जो अज्ञानता के कारण होता है। सोलोमन ने कहा है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है आप उसे समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि हम उन नियमों को समझना चाहते हैं जो हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, और फिर हम उन नियमों को अपनी जिंदगी में अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपके पास तब आएगा जब आप उस चीज के साथ अच्छे से तालमेल बिठाएंगे। वाइब्रेशंस को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 10 लोगों में से केवल एक व्यक्ति को ही इसकी समझ है। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं तो जो वे वास्तव में आपको बताते हैं वे अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस के बारे में उनकी सचेत जागरूकता होती है। यदि कोई व्यक्ति कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो व्यक्ति शायद बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस में है, और अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में है। यदि आप वास्तव में अच्छी वाइब्रेशंस में हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो बहुत नेगेटिव है तो आप उनकी उपस्थिति में कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स कॉन्शियस अवेयरनेस वाइब्रेशंस होती है, तो आप उनकी एनर्जी में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं और अब आप उनसे दूर होना चाहते हैं। यदि आप नेगेटिव हैं और वो व्यक्ति भी नेगेटिव है तो आप दोनों एक साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि दुखी व्यक्ति दुखी लोगों की कंपनी पसंद करता है। देखिए, ये सभी पुरानी बातें नियमों पर आधारित हैं। इस पर विश्वास करना कठिन है कि दो दुखी लोग एक साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वे दोनों लोग एक ही फ्रिक्वेंसी में हैं तो वे दोनों लोग एक ही म्यूजिक को सुन रहे हैं। आपने अक्सर उस व्यक्ति से सुना होगा जो जंगल में घूमने जाता है और कहता है, जंगल में घूमना बहुत सुखद होता है, नेचर का वाइब्रेशन परफेक्ट है।
तो आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में क्या जानते हैं? ये अपने आप से पूछने के लिए एक अच्छा सवाल है। हम कैसा महसूस करते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण है। वाइब्रेशन एक ऐसी चीज है जिसका अध्ययन करना मुझे अच्छा लगता है। जब आप किसी रेस्टोरेंट या स्टोर या किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां एनर्जी वास्तव में अच्छी होती है, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये उस जगह की वाइब्रेशंस होती हैं। आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां बैठे और इससे पहले कि आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, अचानक से आप वहां खाना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? उस जगह की एनर्जी के कारण, उस जगह की वाइब्रेशंस के कारण आप वहां से उठकर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप केवल वहीं जाना पसंद करते हैं और आप केवल वही काम करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए जो लोग उस काम को करते हैं जो उन्हें पसंद है, तो फिर उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ता। वे अपनी पूरी जिंदगी बेहतरीन वाइब्रेशंस में बिताते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में प्रार्थना करना जानता है, उसकी पूरी जिंदगी बेहतरीन वाइब्रेशंस में बीतती है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इसका अध्ययन करें और इसे समझें। आप जिस चीज के साथ अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बराबर लाते हैं, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। आप अपने अंदर की वाइब्रेशंस के नियंत्रण में हैं।